नमस्ते दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंजरीज चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और अभी तक मेरी इस छोटी सी हैप्पी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन गए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। यदि नहीं बने हैं तो फटाफट से चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हाँ, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको पता चले। तो आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है यार। यदि आप अभी तक ऑनलाइन शॉपिंग करने से थोड़ा बहुत भी डरते हैं, स्पेसिफिकली मीशो से शॉपिंग करने से अभी तक डरते हैं, तो आपका डर आज मैं दूर कर दूंगी। मुझे बहुत सारे डीएम्स आते हैं, कमेंट्स आते हैं, तो मैंने उनको ना नोट डाउन कर लिया है आज कुछ इस तरह से। और एक एक करके मतलब कुछ 6-7 क्वेश्चंस मुझे मिले तो मैंने उनको नोट डाउन कर लिया ताकि मैं आपसे उनके बारे में बात कर सकूँ कि कैसे क्या मतलब होता है और रिफंड पॉलिसीज क्या है, रिटर्न पॉलिसीज क्या है मीशो की, क्या मीशो फ्रॉड है। ऐसे करके मैंने सारे क्वेश्चंस लिख लिए हैं, अब एक एक करके आपको जवाब दे देती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए और आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करना कहाँ तक सही है। तो यार मेरे हिसाब से सही है, क्योंकि पहले होता था कि कंपनीज ना अपनी ही चीज़ें सेल करती थी, लेकिन आजकल हर जगह मीशो क्या, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इस पर छोटे 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 से छोटा दुकानदार, छोटे छोटे व्यापारी जो घर से बिजनेस कर रहे हैं वो खुद अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो हम किसी कंपनी या किसी ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं, हम छोटे सेलर्स का प्रोडक्ट ले रहे हैं। सॉरी सॉरी, तो हम किसी छोटे सेलर का ही प्रोडक्ट ले रहे हैं, हम उसे ही सेल कर रहे हैं, तो मतलब हम उसे ही परचेस कर रहे हैं, तो वो एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, अब आते हैं मीशो पे। तो बहुत सारी जगह ना सब लोग बोलते हैं मीशो फ्रॉड है, मीशो फ्रॉड है, मीशो ने मुझे ये गलत भेज दिया, मीशो ने मुझे ऐसा भेजा। तो यार देखो, सबसे पहले बताती हूँ कि पहले ऐसा होता था कि जब ना मीशो से आपने कुछ ऑर्डर किया और उसकी जगह आपको कुछ और रिसीव हो गया, 6 महीने पहले तक ऐसा हो रहा था। लेकिन 6 महीने से मीशो ने अपनी वेबसाइट पे बहुत अच्छा काम किया है। अभी इतनी अच्छी पोजीशन पे मीशो आ गया है कि मीशो मिंत्रा को टक्कर दे रहा है। तो मतलब अब ये बात तो नहीं रही, पहले मेरे साथ भी कई बार हुआ है। मैंने कुर्ती ऑर्डर करी थी एक बार, तो मुझे कुछ अजीब सा टी शर्ट रिसीव हो गया था, लेकिन उस टाइम भी अभी भी मीशो की रिटर्न पॉलिसीज बहुत ईजी हैं। मतलब सबसे ज़्यादा उस पर ना रिटर्न पॉलिसीज का ही आपको बेनिफिट है। तो मीशो फ्रॉड बिल्कुल नहीं है। बस हमेशा हर वेबसाइट से, ऐसा नहीं कि सिर्फ इससे ही या सिर्फ उससे ही या आप जो रीसेलर से भी बाय कर रहे हैं, हमेशा किसी से भी परचेस करते टाइम थोड़े से सजग रहिए, सावधान रहिए। मतलब यदि आपको कोई चीज़ पसंद आई है तो पहले जो यदि आपने वो किसी इन्फ्लुएंसर के थ्रू देखी है तो वो इन्फ्लुएंसर से डीएम में जाके बात कर लीजिए कि यार ये चीज़ ऐसी सही आती है ना, ऐसा वैसा करके उससे बात कर लीजिए और फिर ऑर्डर कीजिए, उसी की लिंक से ऑर्डर कीजिए। और यदि नहीं तो पहले उसके बारे में थोड़ा सा सोच लीजिए। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम ना मतलब बस ऐसे देखते हैं, बहुत सा चमकता हुआ सा चीज़ देख ली और उसका 300 रुपये रेट है और ऑर्डर कर लिया। कम से कम दिमाग लगा लो आप कि आपको क्या इतना अच्छा प्रोडक्ट 300 रुपये में कहीं भी मिल सकता है, कहीं भी आप बना तो भी सकते हैं क्या वो 300 रुपये में? यदि आपका प्रोडक्ट होता तो आप सेल करते क्या? तो ऐसा थोड़ा सा दिमाग लगा लो और उसके बाद उस चीज़ को ऑर्डर करो, है ना। तो ये तो बात हो गई कि भाई मीशो फ्रॉड। और उसके बाद जो हर इन्फ्लुएंसर के, हर मतलब यूट्यूबर के, जब भी वो मीशो हॉल लाता है या फिर मीशो से रिलेटेड कोई लाता है तो उसके कॉमेंट बॉक्स में एक ये कॉमेंट ज़रूर होता है, बहुत सारे होते हैं लेकिन एक तो ज़रूर होता है कि आप लोगों का मीशो तो अलग है, आप लोगों को मीशो ने ना कुछ तो भी दे के रखा होगा इसलिए आप लोगों का मीशो अलग है। तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, वही मीशो है जो हमारे पास है, वही मीशो तुम्हारे पास है, वही मीशो ऑल ओवर सब जगह चलता है, एक ही ऐप है। बट उसमें ये होता है ना, इन्फ्लुएंसर बहुत सर्च करते हैं, बहुत सर्च करते हैं, फिर वो चीज़ वो बुलवाते हैं, देखते हैं उसकी क्वालिटी कैसी आई है, फिर वो आप लोगों को बताते हैं, तो इसलिए आप लोगों को ऐसा लगता है कि मीशो हमारा अलग है। ऐसा नहीं है। कई बार मुझे खुद को रात में इतना लेट हो जाता है, 1 बज जाते हैं 2 बज जाते हैं, मैं स्क्रॉल करती रहती हूँ कैसे मैं आप लोगों के लिए बेस्ट प्रोडक्ट लेके आऊँ। कई बार ऐसा होता है कि मेरे पास जो प्रोडक्ट आया है उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती कि मैं आप लोगों को बताऊँ, तो मैं आप लोगों को बताती भी नहीं हूँ वो चीज़। तो इसलिए किसी का भी मीशो अलग नहीं है, सबका मीशो सेम है। एंड अब बात करते हैं मीशो की रिटर्न पॉलिसी के बारे में। तो मीशो की रिटर्न पॉलिसी बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ज़्यादा, मतलब सिर्फ 7 डेज रिटर्न पॉलिसी। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे कि कुछ प्रोडक्ट होते हैं, जैसे मीशो पे आई थिंक ना कॉस्मेटिक वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर कोई भी रिटर्न या रिफंड पॉलिसी नहीं है।
उनकी रिटर्न पॉलिसी नहीं है। हाँ, कोई प्रोडक्ट यदि आपके पास खराब रिसीव हो जाता है, आप उसका कंप्लेन डालो, कस्टमर केयर पे बात करो उनके, फिर आपको रिफंड मिल जाए, तो वो एक अलग कंडीशन है। ओके, वो कंडीशन अलग है। ये कंडीशन ये है कि मतलब बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं ना जो कॉस्मेटिक, जैसे लिपस्टिक है, तो वो लोग रिटर्न कैसे ले सकते हैं? तो ये सब चीज़ें, उन पर रिटर्न पॉलिसी नहीं है। जब भी आप कुछ भी चीज़ ऑर्डर करने जाएं तो उसके नीचे पहले देख लें कि उसमें रिटर्न पॉलिसी है या नहीं है। जब उसमें रिटर्न पॉलिसी हो तभी उसको आप परचेस करें। सेकेंड थिंग, जब आप ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे होते हैं, तो उसमें दो ऑप्शन आते हैं कि नो रिटर्न एंड रिप्लेस पॉलिसी। तो उसमें क्या होता है ना, 5-10 रुपए का डिस्काउंट होता है। तो हम क्या सोचते हैं, हाँ अच्छा ही आएगा, रख ही लेंगे, और वो 5-10 रुपए का डिस्काउंट के चक्कर में उधर से ऑर्डर कर लेते हैं। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट आपको गलत आया तब आप क्या करेंगे? उस पर तो कोई रिटर्न या रिफंड पॉलिसी है नहीं। इसलिए जब भी ऑर्डर करना हो ना, तो भाई उस, मेरा तो कहना है वो 5-10 रुपये बचा के तुम कोई अमीर नहीं बन रहे हो, तो इसलिए वो छोड़ दो। और जो यहाँ पे आपको मतलब मिलता है ना पॉलिसी की, हाँ ठीक है इस पर रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी अवेलेबल है ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद भी, तो उससे ऑर्डर करो, ताकि आपके पास हाथ में ऑप्शन तो रहे, कभी कोई चीज़ का क्वालिटी आपको पसंद ना आए, कोई साइज फिट ना आए, तो आप उसको रिटर्न और रिप्लेस करवा सकें। तो इसलिए हमेशा उससे ऑर्डर करो। मतलब 7 डेज की पॉलिसीज होती है। जैसे मैं खुद जब मीशो का प्रोडक्ट बुलाई हूँ, तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ ना कि आज मेरे पास प्रोडक्ट आया है, आज शाम को मैंने उसको चेक कर लिया, और कल यदि मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम लग रहा है तो कल ही मैं उसका रिप्लेस, रिटर्न जो भी है वो डाल देती हूँ। ऐसा करने से जो 7 डेज का मतलब टेंशन रहता है ना कि हाँ कर देंगे कर देंगे, और फिर कर देने के चक्कर में वो 7 डेज निकल गए, पता भी नहीं चला, 7 दिन ऐसे निकल जाते हैं। तो इससे बेटर है कि आप आज बुलाया है तो आज ही उसको चेक करके कल उसका काम कर ले। और यदि आपको वो चीज़ पसंद आई तो आपको तो रखना ही है, पर यदि उसको रिटर्न उस पर करना है तो उसको तुरंत कर लेना चाहिए, क्योंकि 7 डेज बहुत क्विकली निकल जाते हैं। अब बात करते हैं रिफंड पॉलिसी की, तो मीशो की रिफंड पॉलिसी बहुत ईजी है। मतलब इतनी ईजी तो मुझे लगता है अमेजोन की भी नहीं है। अमेजोन भी आपको बहुत सारी कंडीशंस देता है कि आपको अमेजोन पे में डाल दूँ, या ये कर दूँ, या वो कर दूँ। मीशो इज लाइक, आपने जिससे पे किया है मैं आपको उससे पे कर देता हूँ, अपन दोनों का लेना देना करता हूँ। मतलब आपने गूगल पे किया है, मैं आपको गूगल पे कर देता हूँ। तो ऐसा बहुत सही इसकी रिफंड पॉलिसी है, तो आपको बिल्कुल इजीली रिफंड हो जाता है। इतना इजी रिफंड है, आपको कोई भी इस पे मतलब इंक्वायरी भी नहीं करना पड़ता। बट जो उसमें जो रहते हैं ना रीजंस, वो करेक्ट डाला करना हमेशा। जैसे आपको रिटर्न करना है, यू डोंट लाइक द प्रोडक्ट, तो उस पे ही क्लिक करना, या फिर आपको साइज फिट नहीं है तो उस पे ही क्लिक करना। यदि वो फोटो मांगता है तो प्रोडक्ट की आप फोटो डाल दो जो आपको रिसीव हुई है, और फिर उसके बाद रिफंड के रिटर्न पे कर दो। जैसे ही आपका प्रोडक्ट जाता है, जैसे मैंने आज रिटर्न डाला, आज शाम को मेरा रिटर्न चला गया, मुझसे कुरियर बॉय लेके चला गया, तो हमेशा मेरे साथ तो ऐसा होता है कि 1-1.5 घंटे में ही रिफंड आ जाता है। और मैंने जहां तक देखा है 1-1.5 घंटे में ही रिफंड आ जाता है। पर यदि आपको ऐसा होता है कि आपको मतलब रिफंड नहीं आया, तो 24 आवर में आ जाएगा। उसके बाद भी यदि नहीं आया है तो आप कस्टमर केयर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। बहुत ईजी है, इजीली बात कर सकते हैं आप, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। अब बात करते हैं मीशो की क्वालिटी की। तो यार मैं आपको बता दूं कि मैंने खुद ने भी मतलब जब मैंने मीशो कंटेंट स्टार्ट किया था, आज से 1 से 1.5 साल पहले मैंने पहला मीशो कंटेंट का वीडियो डाला था, लहरिया साड़ी का, मुझे अभी भी याद है। उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज आए, तो उसके मतलब उससे ही मुझे लगा उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था। उसके पहले मैं लाइफस्टाइल, जो भी फेस्टिवल मैं शेयर करती थी, ट्रैवल ब्लॉग्स जहाँ मैं जाती थी, मैं खुद से रिलेटेड ब्लॉग्स डालती थी। लेकिन क्या होता है ना, एक टाइम के बाद आपकी लाइफ रेगुलर चलती है, रूटीन से चलती है, तो वो रूटीन वाली लाइफ कौन दिखेगा? हमारे लाइफ में तो इतना कलेश भी नहीं है कि कोई को भी आपका कलेश देखने में मजा आए। तो फिर मुझे लगा कि चलो, उस टाइम पे नया नया मीशो सब कंटेंट बना रही थी, तो मैंने लगा चलो मैं भी मीशो कंटेंट बनाती हूँ, तो उस पर अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो फिर मैंने उसको कंटिन्यू किया। अभी तक मैं बीच बीच में मीशो कंटेंट रोज पोस्ट करती ही रहती हूँ। मतलब एक दो दिन में मेरा मीशो कंटेंट आ ही जाता है, क्योंकि वो बहुत ईजी है बनाना, और मुझे लगता है कि अच्छी चीज़ सब तक पहुँचना चाहिए। तो यार उस टाइम से भी ना, साल भर पहले से भी, अभी जो मीशो आपको क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है वो एक नंबर है भाई साहब। मतलब कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, मैंने कुछ इन्फ्लुएंसर के ब्लॉग्स में देखा है कि जो चीज़ उनने मीशो से बुलाई और मिंत्रा से बुलाई, तो मीशो की चीज़ बेटर आई। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, मीशो कोई मुझे इसके पैसे नहीं दे रहा है, देता होता तो बहुत अच्छी बात होती, लेकिन नहीं दे रहा है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये अभी भी बातें हैं। बहुत सारे सूट सेट्स वगैरह ऐसे हैं जो मीशो पे इतने चीप, इतने अच्छे रेट में, और इतनी अच्छी क्वालिटी मिल रही है, ट्रस्ट मी गाइस, कि जो आपको बाहर नहीं मिल रही होगी उस रेट में। तो मुझे नहीं लगता कि यार कोई प्रॉब्लम है। और रही बात ऑनलाइन शॉपिंग की बात, तो आगे आगे ना हर किसी को ऑनलाइन शॉपिंग करना ही पड़ेगा,
और हर शॉपकीपर को भी ऑनलाइन अपना बिजनेस लेके बैठना ही पड़ेगा, क्योंकि यही फ्यूचर है। आप लिख के रख लेना आज मेरी ये बात कि आज से ना 10-20 साल बाद सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा, सब कुछ। अभी तो 90% चीजें तो हैं ही, और जो नहीं है वो भी ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये थी एक ये वाली बात, और अपन बात करते क्वालिटी की। तो मीशो की क्वालिटी अब तो बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है। और फिर रही बात कि हमने कुछ ऐसा लिया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, तो यार भाई देखो, लेते टाइम आप मतलब समझदारी रखो ना। आपने यदि 300 रुपए की कुर्ती ली है और आप सोचोगे मैं इसको साल भर तक पहनूं ये फटे नहीं, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। 300 रुपए की कुर्ती की जो क्वालिटी है वो उसी हिसाब से होगी। आप उसको महीने, 1.5 महीने, 2 महीने पहनिए, हटा दीजिए, बस उतनी ही वो लायकी की होती है। हाँ, यदि आपने 1800 रुपीज का सूट लिया है और फिर आपने उसको सिर्फ 2 महीने पहना और वो खराब हो गया, फिर आपको दुख हो रहा है, तो वो वर्थ करता है। बट ये वाला वर्थ नहीं करता था, पहला वाला। तो इसलिए जब शॉपिंग कर रहे हैं ना, तब अपने दिमाग में और अपना सोच समझ के शॉपिंग कीजिए कि मुझे कैसे करना है। ये जो मतलब मैं खुद का भी बता रही हूँ, हम सारे इन्फ्लुएंसर जो भी बता रहे हैं, सब में बहकर खरीदी मत करो अंधाधुंध। हम लोग तो क्या है, हम बुलाते हैं और हम सब कुछ रिटर्न कर देते हैं। कोई भी इन्फ्लुएंसर ऐसा नहीं होगा जो 100% जो चीजें बुला रहा है वो खुद के पास रख रहा हो। सब लोग बुला के और अपना चीज दे, हम लोग आपको शो करते हैं और रिटर्न कर देते हैं। हम लोग का सबका मतलब ऐसा रहता है, इन्फ्लुएंसर यही काम करते हैं। तो मैं भी यही करती हूँ, जो चीज पसंद आ जाती है, बहुत पसंद आ जाती है कि अब इसको रखना पड़ेगा, तो वो चीज रख लेती हूँ। तो यार ऐसा होता है, तो मतलब माइंडफुली शॉपिंग कीजिए तो सब चीजें सेफ है, क्या मीशो क्या मिंत्रा सब कुछ। और मेरे हिसाब से मीशो पे फ्रॉड नहीं होते, पर यदि आपके साथ कभी हुआ हो, बैड एक्सपीरियंस हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खैर मेरे साथ तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, 2-3 है कि मैंने कभी कुछ ऑर्डर किया और मुझे कभी कुछ और रिसीव हुआ है, लेकिन उसकी रिटर्न पॉलिसी बहुत ईजी है, तो उससे वो रिटर्न हो जाता है। और भी यदि आपकी कोई इंक्वायरी है, कोई उत्सुकता है आपको इसके बारे में कोई भी बात जानने की, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में फिर से कुछ नया लेकर। आई होप आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया हो, मैंने मीशो गाथा जो लिखी है वो आप लोगों तक अच्छे से पहुंची हो। चलिए मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, क्योंकि संसार को खुशियों की बहुत ज्यादा जरूरत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।